क्यों मेरा राघव, नौटंकी में हिस्सा ले रहा है क्या? क्यों भैया, ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है तू? जरा मुझे एक बात बताइए भैया। सुबह भाभी कह रही थी कि मैं उनकी चूड़ियां पहनकर छत पर घूम रहा था, अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं नौटंकी कर रहा हूं। मैं जो कर सकता हूं। तुझे क्या लगता है हम यहां पर पागल बैठे हुए हैं? पैरों में हल्दी क्यों लगाई है? नहीं नहीं, आप छुपा क्यों रहा है? घूर क्या रहा है मुझे, जवाब दे। मुझे नहीं पता। तो क्या पैर में हल्दी अपने आप लग गई? ए भैया के सवाल का जवाब दे जल्दी। अब बोलना, चुप क्यों बैठा हुआ है? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा है तू। तुझे अपने चेहरे पर हल्दी लगाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हम सब ने तेरी नौटंकी देखी है। माँ झूठ बोल रही है क्या? ए तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? ये सब क्या नौटंकी चल रही है? हाथ हटाओ। राघव क्या हुआ भाई? पता चल गया? आखिर पता चल गया, तुम सबको पता चल गया। खैर छोड़ो। क्या मतलब छोड़ो? राघव तुझे हुआ क्या है? औरतों की तरह हरकत क्यों कर रहा है? हाथ हटा अपना। साफ साफ बता तूने हल्दी क्यों लगाई है? हाथ छोड़ो। क्या मतलब हाथ छोड़ो? पहले तू मुझे ये बता के तूने हल्दी क्यों लगाई है? मैंने कहा जवाब दे राघव, जवाब दे। मैं कह रहा हूँ जवाब दे। कुछ बोल क्यों नहीं रहा तू राघव? हाथ हटा। क्या रे, तुम मुझे छुएगा? मुझे ये क्या हो गया? उठिए। मुझे छू रहा था? क्यों अब छू ना? अब छू के दिखाना। छू ना हाँ? मुंह टेढ़ा करके क्यों बैठा? छू ना, अब छू। हाँ? ए मुझे हाथ मत लगा। चल जा वरना तुझे भी टेढ़ा कर दूंगी। मुझे छूने की तूने हिम्मत भी कैसे की साला कमीना? अब तुम ही बताओ ना, अगर कोई आदमी तुम्हें छुएगा तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने उस पे गुस्सा करके ठीक किया ना? ठीक है। हाँ, हल्दी क्यों लगाई? हल्दी क्यों लगाई बार बार पूछ रहा था। अब औरत हल्दी नहीं लगाएगी तो क्या तू जैसा सांड लगाएगा? बोल ना कमीने। ऐसे पढ़ाए जैसे सांप सुन गया हो। मैंने पूछा खाना किसने बनाया? मैंने टेस्टी है। हे भगवान, ये उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? और उसके पास मत जाइए। राघव राघव, ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहा है तू? अपने भाई को भी कुत्ते के जैसा मारा तूने, अब खाना भी तू उल्टे हाथ से खा रहा है। राघव क्या हो गया तुझे? राघव क्या हुआ? खामोश कुस्ताख। थू। कोई बात नहीं राघव, तू दोनों हाथ से खा। सलीम, मुसलमान उर्दू में गुफ्तगू नहीं करेगा तो तमिल में करेगा क्या? तमिल में बात करेगा क्या? एक अरसे के बाद खा रहा हूं, फिर से दखल अंदाजी की तो घर में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझे? बेटा क्या हो गया तुझे? Mm-hmm.
लजीज, बेहद बेहद लजीज। खा ले बेटा। अरे ओ मोहतरमा, बाबा उतरी। क्या दावत है, क्या खाना है? अरे वाह, पेट भर गया, पेट भर गया। क्या खिलाया मुझे? मसालेदार चिकन था, मलाई डाल के। दिल खुश कर दिया। उर्दू में सलाम। थैंक यू। पेट भर गया, दिल भर गया। मैं खुश, बहुत बहुत खुश हो गया। हे, हे बेटा, आराम से खाओ। हलवा, हलवा, ये सब मेरे लिए है। ये है टिक्कन 65। मैं 62। चिकन पीस है, ये चिकन पीस है। चिकन बनाना था मुझे। माँ, मैं ये चिकन पीस यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ जाके उस कोने में बैठ के खाऊंगा। चेतक बाला, स्टॉप। वेरी गुड चेतक। अब्बा। क्या बेटे? सुसु आई है। चिकन खा के सुसु करने जाऊं या सुसु करके फिर चिकन खाऊं? सुसु करके खा ले बेटा। तो पहले जिप खोलो ना, मैं खोलूंगा तो अटक जाएगी। धीरे धीरे अब्बा, धीरे। हाँ हो गया, मैं जाके आता हूँ अब्बा। अब्बा, रास्ते में कोई मोटा सा आदमी जो रहा है। ए मोटू हट। ए रोती क्यों है? ए ए मुंह बंद कर ना। पहले बोल ये कौन है? मेरे पति। तू इतने सपोर्ट कर रही है? हाँ, जा जा जा, तू ऊपर जा। तुझे भी ऊपर जाना है क्या? सुपर सुपर। मुझे नीचे उतारो प्लीज, मुझे नीचे उतारो। तू इतना चिल्ला ली क्यों है? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। डर लग रहा है ना, लेकिन नीचे उतार लूंगा तो तू मोटू को सपोर्ट कर लेगी ना? नहीं नहीं जानती। अच्छा तो फिर नीचे आ जा। देवर जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे माफ कर देना। जाओ जाओ, उधर जाओ। और तुम, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है आंटी। अब मैं सुसु करने जाऊंगा। अटैक। हाँ, जु 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 जु। हाँ। चिकन तू यहाँ बैठ, ओके? ए इधर आ। अब्बा, मेरा पेट है ना एकदम फुल हो गया, बहुत खा लिया। हाँ, ए चेतक, अभी वापिस जा, जा। ये आंटी तो हर चीज से डरती है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बोलती है ना तू। सुनिए, इसने मेरी चूड़ियां पहनी, इसने मेरी साड़ी पहनी, बिंदी लगाई, फूल लगाया, उपटन लगाया। अब अगर चुगली की ना तो मैं तुझे काट के रख दूंगी। मैं जरूरी काम करने आई हूँ, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक अगर तूने मेरा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो। समझ गई ना? तो मुंह बंद रखने का, मैं चलती हूँ। इसे डॉक्टर को दिखा देना। मेरा एक बेटा बेहोश हो गया, एक बदहोश हो रहा है। प्रिया, जल्दी से अंदर बैठो, बैठ जाओ। हाँ, मैं बच्चों को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, प्लीज उनका ख्याल रखना। ड्राइवर के साथ भेज रही हूँ। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों हो? यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, जैसी ठीक हो जाएगी मैं इन्हें बुला लूंगी। और सुनो, राघव जाते वक्त तुमसे जैसे बात कर रहा था ना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। त्याचा वर राघव नकोस। दीदी छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। वो बेचारा निर्दोष है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पता है, ये सब तो वो माया उसे करवा रही है। मतलब उसकी जिंदगी में कोई माया नाम की लड़की है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो समझ रही हो वो माया नहीं है। दीदी क्या कह रही हो? कल हम उसे दरगाह पर लेकर जा रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दरगाह क्यों?
देखो तुम मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे दो दिन दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। ठीक है? ठीक है। बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे तो मुझे फोन करना। राघव ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना, उनके पहुँचते ही फोन करना। कहना मैं उसे याद कर रही हूँ। बराबर फोन नहीं होते। राघव पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। रात भर से तूने मुझे इस तरह बैठा के रखा है, पेट की टंकी फुल हो गई, बाथरूम तो जाने दे। एक मिनट भी मुझे अकेला छोड़ा तो तुम मेरी माँ नहीं हो। दुनिया थोड़ी छोड़ के जा रही हो, मैं तो सिर्फ बाथरूम जा रही हूँ। कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम दोनों मुझसे? मुझे राघव की भूतिया पंती से डर लगता है। क्यों डरा रही हो? मैंने सुसु अहिया थी गयो तो। माफ करना, गलती हो गई। आप दोनों डर के यहाँ बैठे रहोगे तो देवर जी को दरगाह कौन लेके जाएगा? चलिए उठिए ना। दरगाह? राघव को मैं नहीं ले जाने वाला। मैं ही चलती हूँ, वैसे भी सारी रात यहाँ बैठे बैठे मेरे पैर भारी हो गए। मैं घर में अकेला नहीं रहने वाला। कामाक्षी, राघव के कमरे में तू चली जा, मैं बाथरूम होकर आती हूँ, तब तक तू उसे बाहर लेकर आ जा। मेरी हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए ना। ये दोनों मेरी किडनी फेल करा कर ही चली आएंगे। कैसी बहू मिली है। तू उस तरफ से आ जा, दरगाह जाने के लिए तैयार हो जा बेटा। भागो, तू बाहर ना आ जाए। तू बुला मेरे बेटा। नहीं, नहीं, तू नहीं, आप बुलाइए। राघव बेटा, राघव। खाना नहीं खाया क्या? जोर से चिल्लाओ ना। राघव। मम्मी तुम्हें चलो ना साथ माँ, मुझे अंधेरे में डर लगता है। डर क्या होता है, हमसे पूछ। भैया ने चेहरे पर इतना बेहुदा मेकअप क्यों लगाया? बुरी नजर से बचाने का टीका है, इसने रात को भूत का सपना देखा था। भूत का सपना? हाँ, डर से रात भर सुसु करने भी नहीं गया। अब इसे ठीक करने के लिए हम दरगाह लेकर जा रहे हैं। चलो ना। हाँ चलूंगा माँ, मेरा बदन दुख रहा है, जैसे 10 लोगों ने मेरी पिटाई की हो। तुमने कोई आवाज सुनी थी क्या? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बहुत तुमने सुनी थी क्या? सुनी थी। तो तुम चल रहे हो? हाँ, ना चलो। चलिए अभी जा। पता नहीं कौन सा साया हम पर फिर गया है। अब इससे क्या हो गया? नहीं, वो मैं टायर चेक कर रहा हूँ बस। चल बेटा। हाँ सब ठीक है, चलो चलो। आप लोग अंदर चलिए, मैं फूल वगैरह लेके आती हूँ। बेटा आ, इसे छूकर दुआ ले ले। आ आ जा जल्दी। आजा, मैंने कहा अंदर आजा। कभी नहीं। दूर रहो। डर के भाग गया ना? आज भाग गया, पर मैं जानता हूँ तुझे कैसे पकड़ना है। बाबा, क्या हुआ बाबा? शैतान डर के भाग अच्छा गया। हुआ, बाबा ये वापस तो नहीं आएगा ना? जैसा कहता हूँ वैसा करो,